तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज हम डिस्कस करेंगे पबजी लेके आया है और एक नया मैप। जी हाँ, जैसे ही आपको पता है कि सीओडी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल आ रहा है, पबजी अपना बेस्ट ट्राई कर रहा है कि पबजी मोबाइल को जो है और नया एक्सपीरियंस दे और आगे लेके जाए पबजी मोबाइल को। पबजी का जो अभी यूज़र बेस है बहुत सक्सेसफुल है, बहुत बड़ा है पबजी मोबाइल का यूज़र बेस। और अभी पबजी ट्राई कर रहे हैं कि और एक नया सरप्राइज और एक नया मैप लाके जो है पबजी प्लेयर्स का इंटरेस्ट जो है बरकरार रखे। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जो है वो भी टेंशन का ही है, लेकिन वो चाहता है कि पबजी मोबाइल जो है ग्रो करता रहे, कभी स्टॉप ना हो। और गाइज, यहाँ पे आज मैं जो है आपको दिखा रहा हूँ पबजी का नया अपडेट जो बहुत ही जल्दी आने वाला है पबजी मोबाइल में। और ये आई थिंक जल्दी पबजी पीसी में आ जाएगा, उसके बाद हमको दिखने को मिलेगा पबजी मोबाइल में। तो गाइज, यहाँ पे जो नया मैप है, मैप का नाम है द मून। यहाँ पे देख सकते हैं प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, पीछे एक मून दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो नोट्स है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये नया मैप है द मून। और यहाँ पे जो है ये मून में जो बनाया है उसमें जो है वेदर थोड़ा वीकेंडी का मून लाइट जैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सोर्स ऑफ जो मान लीजिए सन है, मतलब लाइट के यहाँ पे वो आपको मतलब डायनेमिक वेदर जैसा होगा, सन रेज आएंगे तो दिन होगा, नहीं तो रात जैसा होगा। तो ये चेंज होता रहेगा। और ये वीकेंडी में मूनलाइट जो वेदर लाया है वो सक्सेस होने के बाद अभी एक नया मैप लाया है द न्यू मून। तो ये नया मैप में जो वेदर होगा वो वीकेंडी जैसा होगा। और ये मैप जो है बहुत बड़ा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है द न्यू मैप द मून। और ये द मून में आपको दिखाता हूँ, ये जो है 3,476 स्क्वायर किलोमीटर्स, बहुत बड़ा मैप है ये। द जो नया मैप लेके आया है द मून। और यहाँ पे जो गाइज है इंटरेस्टिंग विच है, यहाँ पे जो है ग्रेविटी बिल्कुल जीरो होगा, जीरो जी मतलब जीरो ग्रेविटी। जैसे आपको पता है बहुत ही रियलिस्टिक बनाया है ये नया मैप को द मून मैप, जो पबजी मोबाइल में बहुत ही जल्दी आता ही होगा। और यहाँ पे जो है उनका देख सकते हैं आप, नया मैप का जो साइज है 3,476, मान लो इरेंगल्स है, बहुत बहुत बड़ा। और यहाँ पे जो है गाइज आपको जीरो ग्रेविटी की, यहाँ पे आप जैसे ही जंप करेंगे आप बहुत ऊपर जंप कर सकते हैं। कि मान लीजिए आप स्कूल के बिल्डिंग हो, 3-4 स्कूल के बिल्डिंग आप जंप करके क्लाइंब कर सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा एपेक्स का भी कुछ इफेक्ट देना चाहेंगे, क्योंकि एपेक्स भी जो है बहुत सक्सेसफुल हो रहा है यहाँ पे। एपेक्स लेजेंड्स भी आता होगा मोबाइल में इन वेरी फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पे जो है सीओडी भी आता होगा इन ए फ्यू मंथ्स। तो यहाँ पे पबजी मोबाइल जो है ट्राई करेंगे कि सभी जो है तेज सबको पहले दे पबजी मोबाइल में, ताकि जो है पबजी मोबाइल का बेस ग्रो होता रहे। और यहाँ पे जो न्यू मून मैप है उसमें जो है आपको फॉल डैमेज नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप ऊपर से गिर जाते हैं तो आपको जो है डैमेज नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे 10 गुना जंप कर सकते हैं द मून मैप में। और यहाँ पे जो है प्लेयर स्टक विथ हैवी हिटिंग वेपन्स, मिली शॉटगन विल बी फ्लंग सेवरल मीटर्स स्लोली ओवर टाइम। तो यहाँ पे जो गाइज ये बोला गया है कि अगर आप पैन या फिर मचाते हो गया ऐसे कुछ मिली वेपन से अगर किसी प्लेयर को मारेंगे इन नया मैप मून में, आप जो है धीरे धीरे पीछे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रेविटी कम है और बहुत ही रियलिस्टिक बनाया है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि मून में जो है फुटप्रिंट्स रह जाएगा। आप जैसे ही पबजी पीसी में ऑलरेडी था, मोबाइल में भी ये बहुत जल्दी आने वाला है कि मून में जो है आपका जो फुटप्रिंट्स वो रह जाएगा। अगर आप कहीं कहीं पे लूट करके जा रहे हैं तो मतलब कोई एनिमी आके यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है फुटप्रिंट्स है, तो फुटप्रिंट्स देख के जान जाएंगे कि यहाँ पे कोई आया था। बहुत ही बढ़िया अपडेट लाया है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि द मून हैव नो वेदर साइकिल बट इट विल आइदर बी लिट और कंप्लीट डार्कनेस डिपेंडिंग अपॉन द विच साइड यू स्पॉन ऑन। तो गाइज यहाँ पे जो है आप
ट्रैवल कर सकते हैं मून के, मून मैप के इस पार से उस पार। लेकिन अगर इस पार जो है लाइट रहेगा तो इस पार लाइट रहेगा, और आप अगर दूसरे साइड जाएंगे वहाँ पे कोई लाइट नहीं रहेगा, वहाँ पे जो है पूरा मून लाइट, मतलब जैसे कि रात को होता है वीकेंड में वैसा क्लाइमेट रहेगा। और ये बहुत बड़ा मैप है, और यहाँ पे जो गाइज है, गाइज यहाँ पे आपको बूस्टर्स नहीं मिलेंगे, यू विल नॉट गेट पेन किलर्स, यू विल नॉट गेट एनर्जी ड्रिंक्स। तो ये नया मैप जो ला रहे हैं पबजी पीसी में, बहुत ही जल्दी आने वाला है पबजी मोबाइल में। और यहाँ पे गाइज बहुत एक इंटरेस्टिंग फीचर लाया है कि यहाँ पे पेन किलर्स, एनर्जी ड्रिंक्स, सीरिंज ये सब नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको मिलेगा एक ऑक्सीजन टैंक, क्योंकि गाइज ऑक्सीजन का स्कैर्सिटी है मून में। तो यहाँ पे बहुत रियलिस्टिक बनाया है कि जो नया मैप है द मून मैप में आपको जो है ऑक्सीजन टैंक्स मिलेगा। तो आपके अगर प्लेयर का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, आपके टीममेट का, तो आप जो है अपने टीममेट को जो है ये ऑक्सीजन टैंक जो है दे सकते हैं, और अपने जो है टीममेट्स के साथ ऑक्सीजन शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो गाइज है न्यू मून एक्सक्लूसिव व्हीकल भी आ रहा है। आपको पता है पबजी जैसे ही एक नया मैप लाता है उसके लिए जो है एक एक्सक्लूसिव गाड़ी लाता है, एक्सक्लूसिव व्हीकल्स लाता है। तो यहाँ पे जो नया मैप आ रहा है द मून मैप के लिए जो है यहाँ पे एक नया व्हीकल ला रहा है द मून रोवर। और यहाँ पे जो है रोवर्स विल बी की टू सर्वाइव ऑन द मून एज प्लेयर्स हैव 1000 मीटर्स टू कवर टू गेट टू द सेफ जोन। यहाँ पे जो गाइज है आपको पता है इरेंगल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2000 मीटर्स का डिस्टेंस होता है, यहाँ पे जो है आपको 2000 किलोमीटर्स का भी डिस्टेंस हो सकता है अगर जोन आपके साइड नहीं बना तो। यहाँ पे जो है आपको ट्रेवल करना पड़ेगा मून रोवर में, तो आप लूटने जाइए उससे पहले आप एक मून रोवर ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि मून रोवर के हेल्प से आप जो है ट्रेवल कर सकते हैं बहुत फास्ट ऑन द मून। तो यहाँ पे जो है आपको ट्रैवल करना पड़ेगा मून रोवर से। और यहाँ पे जो गाइज आ रहा है एक नया बॉम्ब आ रहा है जिसको बोलते हैं द रिवेंज बॉम्ब। रिवेंज बॉम्ब क्या होता है कि अगर आपको किसी ने नॉकआउट करके फिनिश कर दिया, आपकी जो क्रेट है वो क्रेट में अगर आपको मिल जाता है तो वो रिवेंज बॉम्ब एक्टिव रहेगा। और रिवेंज बॉम्ब यहाँ पे गाइज लिखा है द रिवेंज बॉम्ब एडेड ए रिवेंज बॉम्ब एज लूट टू ऑल मैप्स। तो यहाँ पे जो है रिवेंज बॉम्ब क्या होगा, ए बॉम्ब इज हेल्ड इन योर इन्वेंटरी एंड एक्सप्लोड्स वंस एन एनिमी ओपन्स योर डेड बॉक्स। प्लेयर्स कैन सेट प्री रिकॉर्डेड मैसेज टू प्ले आफ्टर द बॉम्ब गोज ऑफ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपको रिवेंज बॉम्ब मिल जाता है तो आप क्या कर, अगर सपोज आप रिवेंज बॉम्ब आपके पास था और आप जो है नॉकआउट होके फिनिश हो जाते हैं, अगर कोई एनिमी आपका क्रेट लूटने आता है तो क्या होगा, वो रिवेंज बॉम्ब फट जाएगा और वो एनिमी जो है मर चुका, मतलब मर जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे ही गाइज खत्म नहीं हुआ है। आफ्टर द प्लेयर डाइज यू कैन सेट ए प्री रिकॉर्डेड मैसेज। ये जो मैसेज होगा आपको लॉबी में मिल जाएगा, आप सेट कर सकते हैं। ये नया मैप के लिए एक्सक्लूसिव है द मून मैप में। और यहाँ पे जो है मान लीजिए आप कुछ दे देते हैं कि मतलब जैसे आपको पता है कि एपेक्स में जो है जैसे ही आप एक प्लेयर को मारते हैं आप लाइक फिनिशिंग मूव देते हैं और कुछ टाइटल मतलब ना कुछ एक कमांड देते हैं कि ट्राई लाइक कम बैक इन द नेक्स्ट मैच, लाइक योर एम इज़ लाइक गुड बट यू कांट बीट मी और समथिंग लाइक दैट नो। तो यू कैन नाउ सेट ए प्री रिकॉर्डेड मैसेज। तो यहाँ पे जो है रिवेंज बॉम्ब ऐड हो जाएगा आपकी लूट बॉक्स में अगर आपके पास है। और इफ़ यू डाई, इफ़ योर एनिमी कम्स टू लूट योर क्रेट, अगर एनिमी आता है आपके क्रेट लूटता है वो रिवेंज बॉम्ब फट जाएगा। वो मैसेज आप जो चूज किए हैं कि जाओ मर जाओ, अरे मुझे मारा तुम भी मर जाओ, ऐसे कुछ जो है मैसेज आप सेट कर सकते हैं, वो मैसेज प्ले हो जाएगा जैसे ही एनिमी आपका क्रेट खोल के मर जाता है। और यहाँ पे जो है नया गन वीकेंडी में ऐड हुआ है, एड ए न्यू वीकेंडी एक्सक्लूसिव वेपन द स्क्विड गन। तो ये जो है ये गन से ठंडा पानी मतलब बहुत कोल्ड वाटर आप फायर कर सकते हैं एनिमी को, या पिस्टल की जगह आप यूज़ कर सकते हैं स्क्विड गन को। और यहाँ पे जो है ये पानी इतना ठंडा होता है कि ये बर्फ़ जैसा मतलब फ्रॉस्ट बाइट देगा, डैमेज देगा।
तो ये वीकेंड के लिए एक्सक्लूसिव है, बहुत जल्दी पबजी मोबाइल में ही आता होगा। और यहाँ पे जो है स्क्वाड साइज मून के लिए बढ़ा दिया गया है गाइज। यहाँ पे सभी मतलब पूछ रहे थे कि कैन वी गेट मोर प्लेयर्स देन 4 प्लेयर्स, क्योंकि बहुत बार पबजी मोबाइल में ऐसा हुआ है कि आप 4 लोग हैं लेकिन आप बोलते हैं कि दोस्त को कि ब्रो सॉरी आवर स्क्वाड इज फुल। तो यहाँ पे जो गाइज है आप लोग खेल सकते हैं 20 मेंबर्स के साथ, मान लीजिए 5 स्क्वाड के साथ पूरा क्लैन यहाँ पे खेल सकता है। और द न्यू मैप द मून में गाइज 5 स्क्वाड्स एक साथ खेल सकते हैं, 20 मेंबर्स कैन प्ले इन द मैप द न्यू मून। और यहाँ पे जो है आपको नया गाड़ी मिलेगा, स्ट्रेच लिमोजिन मिलेगा आपको, और पार्टी बस मिलेगा एज ए न्यू स्क्वाड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। यहाँ पे जो है ये व्हीकल्स बहुत बड़ा है, आपको पता है लिमोजिन कितना बड़ा होता है, जैसे यूएस प्रेसिडेंट वगैरह वहाँ पे आपको मतलब आप लोग ने देखा होगा कि बहुत बड़ा लंबा ब्लैक सा गाड़ी है। तो यहाँ पे जो है लिमोजिन और पार्टी बस मिलेगा, जहाँ पे आप जो है 20 लोग मतलब ट्रैवल कर सकते हैं एक साथ। और यहाँ पे आपको पता है कि पैन जो है वो बुलेट नहीं लेता है, पैन के आर पार बुलेट नहीं जाता है इन पबजी पीसी और इन पबजी मोबाइल। तो यहाँ पे जो है बहुत रियलिस्टिक वो लोग किचन से और एक एलिमेंट लाया है जिनका लाइक जो है लेवल 4 हेलमेट, एडेड लेवल 4 हेलमेट टू द गेम, कंप्लीटली रेजिस्टेंट टू बुलेट, रिड्यूस स्क्रीन विजिबिलिटी कॉन्सिडरेबली। और यहाँ पे गाइज आपको पता है कि जैसे प्रोज एंड कॉन्स देता है, यहाँ पे ये है लेवल 4 का हेलमेट, लेवल 4 का हेलमेट से जो है आर पार आपका नहीं जाएगा बुलेट, लेकिन आपका जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन एडवांटेज ये है ये बहुत सॉलिड है, जैसे लेवल 3 हेलमेट में आपको कहीं से भी गोली पड़ सकता है, यहाँ पे लेवल 4 हेलमेट में आपको हेडशॉट देना बहुत मुश्किल है, आपको बहुत मारना पड़ेगा। यहाँ पे लेवल 4 का हेलमेट, जैसे आपको पता है कि पैन जो मिलता है किचन में जिसके थ्रू बुलेट पास नहीं होता है, वही सेम कॉन्सेप्ट लगा कर यहाँ पे लेवल 4 का हेलमेट बनाया है पबजी वालों ने, जो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में है ये पबजी का नया लेवल 4 हेलमेट। और यहाँ पे जो है जो लोग वेजिटेरियन है, जो लोग वेजिटेरियन है आपको पता है जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग चिकन नहीं खाते, तो यहाँ पे जो है पबजी लाया है एक नया फीचर, वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं विनर विनर टोफू डिनर फॉर वेजिटेरियंस एंड वेगन फैंस। तो गाइस यहाँ पे जो है अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि विनर विनर टोफू डिनर, तो आप जैसे ही मैच जीतेंगे विनर विनर चिकन डिनर नहीं होगा, विनर विनर टोफू डिनर होगा जो चिकन नहीं खाते हैं। और जो आप पता है कि श्राउड का जो स्ट्रीम स्नाइपर था वाडू हैक, तो यहाँ पे जो है एक नया लैंग्वेज भी लाया है जिनका नाम है वाडू हैक। इसमें क्या होगा, जैसे ही आप क्लिक करते हैं वो लैंग्वेज चूज करते हैं, बस वो वाडू हैक ही बोलता रहेगा। और यहाँ पे जो है बहुत सारे स्किन्स वगैरह लाए हैं। और यहाँ पे गेम प्ले चेंजेस में जाएंगे हम, गेम प्ले चेंजेस में जो है यहाँ पे बोला गया है टू बेटर एम्फेसाइज सर्वाइवल इन पबजी, फ्राइंग पैन्स कैन बी नाउ यूज्ड टू कुक फूड। बिल्कुल जी, आपने सही सुना, यहाँ पे गाइज आपको प्लेयर्स किल करके चिकन डिनर या फिर टोफू डिनर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है पैन अगर आपको मिल गया तो यहाँ पे आप जो है यू कैन कुक योर ओन फूड, आप अपने चिकन डिनर या टोफू डिनर आपने आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एडेड ए विन कंडीशन यूजिंग द पैन, प्लेयर हैव टू कलेक्ट कंपोनेंट्स एंड कुक देयर ओन चिकन डिनर विल इंस्टेंटली विन द मैच विदाउट हैविंग टू बी द लोन सर्वाइवल। आपको पता है कि पबजी जो है ये बैटल रॉयल गेम है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो लास्ट तक सर्वाइव करता है वही जीतता है। लेकिन यहाँ पे एक नया चेंज लाया है, बोला है कि आप पैन से अपना खाना खुद बना सकते हैं और अपना खुद चिकन डिनर आप खुद ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है अभी तक क्लियरली बताया नहीं है कि आपको जो कंपोनेंट्स है चिकन डिनर के लिए वो आपको कहाँ पे मिलेगा। हो सकता है जैसे आपने देखा है कि ट्रेनिंग ग्राउंड में एक चिकन रहता है, तो हो सकता है आपको वो चिकन जो है ढूंढना पड़े मैप में, अगर आपको चिकन मिल गया और आई थिंक आपको कुछ और इंग्रेडिएंट जैसे कि आग जलाने के लिए कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा, और जो है आपको तेल आई थिंक और मिर्ची वगैरह वो सब मसाला वगैरह थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, और जो है आपको बिना आप
बिना फाइट किए जो है जी सकते हैं चिकन डिनर या टोफू डिनर, यू कैन कुक योर ओन डिनर नाउ। तो पबजी ने जो है जो लोग किल्स के पीछे नहीं जाते हैं, जो लोग कैम करते हैं, ये बिल्कुल उनके लिए बना दिया गया है कि एक टीम जो है पुश कर रहा है वहाँ पे स्क्वाड हाउस पोचिंग की में या फिर स्क्वाड हाउस जो जो पूल में, और आप जो है आराम से जो है जार्की में अपना पैन और सब इंग्रेडिएंट्स लेके जो चिकन बनाने के लिए चाहिए या टोफू बनाने के लिए चाहिए वो आप कलेक्ट करके जो है अपना चिकन डिनर खुद बना सकते हैं, खुद खा सकते हैं चिकन डिनर। आपको जो है किल्स लेने का ज़रूरत नहीं है, आपको जो है प्लेयर से भागने का कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे नया एक चीज लाया है, बूस्ट नाउ इन्फ्लिक्ट ए स्टैकिंग परसेंट चेंज कॉज योर कैरेक्टर टू सफर ए हार्ट अटैक। तो यहाँ पे जो है एनर्जी ड्रिंक पेन किलर एड्रेनिल, तो यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक पेन किलर और एड्रेनिल का 2, 10, 25% रेस्पेक्टिवली जो है आपको जो है हार्ट डैमेज दे सकता है। कि जैसे मान लीजिए आप एनर्जी ड्रिंक यूज़ करते हैं, आपके पास बहुत सारा एनर्जी ड्रिंक, आप एनर्जी ड्रिंक लेते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपको 2% का डैमेज देगा आपके हेल्थ को आपके वहाँ पे, क्योंकि जो है आप ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, ज़्यादा पेन किलर्स लेते हैं, तो आपको 10% जो है डैमेज मिलेगा। तो जैसे ही आपका हेल्पफुल है, बूस्टर फुल है, तो गाइज काइंडली एनर्जी ड्रिंक पेन किलर और एड्रेनिल का यूज़ ना करें, क्योंकि इट कैन गिव यू लाइक हार्ट अटैक के लिए लाइक आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है प्लेयर्स नाउ हैव ए चांस टू इंजर देयर आर्म्स वाइल इन्वॉल्व इन स्कूटर एक्सीडेंट्स। तो गाइज यहाँ पे आपको पता है कि जैसे कि बाइक्स, मोटरसाइकिल्स और थ्री सीटर्स अवेलेबल है पबजी मैप्स के अराउंड, पबजी मोबाइल एंड पबजी पीसी के। तो गाइज यहाँ पे नया अपडेट के बाद जो है आप जैसे ही गिरते हैं आपको आर्म में, शोल्डर में जो है इंजरी हो सकता है, जो आपको बहुत मैटर करेगा वाइल्ड शूटिंग। आपका अगर जो है रिकॉयल कंट्रोल बहुत ही अच्छा है, फिर भी अगर आप स्कूटर से गिर जाते हैं आपको आर्म्स में जो है इंजरी लग सकता है, और आप हो सकता है कि आप अच्छे से स्नाइपिंग ना कर पाए। और यहाँ पे जो है बाकी मैं आपको जो मेन ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो गाइज है पबजी मोबाइल में भी अभी जो है लोगों को, प्लेयर्स को एक पबजी सॉरी पबजी पीसी में भी अभी जो है ट्राई कर रहे हैं कि पबजी मोबाइल को प्रमोट किया जाए, जो बहुत ही चल रहा है, बहुत ही ट्रेंडिंग में है। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि प्लेयर्स कैन नाउ यूज़ फोन टू प्ले पबजी मोबाइल वाइल कैंपिंग इन हाउस और वेटिंग फॉर द जोन, फोन में भी यूज टू टॉक इन गेम सेल्फी, टेक इन गेम सेल्फीज एंड विल पोस्ट ऑटोमेटिकली लिंक्स टू सोशल मीडिया। तो गाइज यहाँ पे जैसे मान लीजिए बहुत सारे प्लेयर्स पबजी में जो कैम्प करते हैं पबजी पीसी में, तो यहाँ पे जो है आप इन द मीन टाइम आप जो है जैसे ही आप खाना कुक कर रहे हैं, चिकन डिनर आपके लिए कुक कर रहे हैं या फिर टोफू डिनर आपके लिए कुक कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना सेलफोन निकाल सकते हैं और आप पबजी मोबाइल खेल सकते हैं ऑन पबजी पीसी। तो गाइज ये बहुत ही बड़ा अपडेट है, आई थिंक ये अपडेट के बाद पबजी एक नया हाइट में पहुँच जाएगा जो ऑलरेडी बहुत नाम कर रहा है। गाइज यहाँ पे फोन से जो है आप सेल्फी खींच सकते हैं और आपने सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में आप डाल सकते हैं। तो ये है एक नया फीचर। और यहाँ पे जो गाइज है एडेड रीजंस अप्रोप्रिएट डेंजर वाइल्ड लाइफ टू इच मैप। तो यहाँ पे जो गाइज आपको पता है पबजी बहुत रियलिस्टिक ट्राई करता है, और यहाँ पे ज़्यादा रियलिस्टिक करने के लिए यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे ऐड किया है कि इरेंगल में जो है बियर्स आपको भालू मिलेंगे, अभी अभी इरेंगल में जो है आपको भालू मिलेंगे, और जागुअर्स आपको पता है जागुअर तो आपको मिलेंगे मीरामार में, मीरामार में आपको अभी एनिमल्स मिलेंगे जागुअर। तो अपना जो है एमओ आप थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, आपको आई थिंक बैग का भी जो है साइज़ बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आपको जो है बियर्स को मारना होगा इरेंगल में, मीरामार्ज में जो है जागुआर को आपको फाइट करना पड़ेगा, सैनहॉक में आपको सांप मिलेंगे, ऑलरेडी सैनहॉक में बहुत सांप रहते हैं लेकिन अभी जो है सांप का जो परिमाण है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जायंट पाइथन मिलेंगे आपको। तो अपने टीम के साथ बिल्कुल सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और ये जायंट पाइथन मिल सकते हैं आपको सैनहॉक में, आपको वीकेंडी में येटी मिलेंगे, और द मून में जो है आपको विजर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो आप जो है
थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि यहाँ पे नया मैप्स में जो है आपको ये सब एनिमल्स मिल सकता है। और यहाँ पे P92 में गाइज पिस्टॉल में जो है आप अभी 8x लगा सकते हैं, क्योंकि पिस्टॉल गाइज जो है बहुत अंडररेटेड गन था। पिस्टॉल आई थिंक बहुत लोग यूज़ नहीं करते थे पबजी PC या मोबाइल में, लेकिन यहाँ पे गाइज आपको जैसे पता है कि पहले AR में हम लोग 8x लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे 8x अभी नहीं लगा सकते हैं पिस्टॉल सॉरी AR में। लेकिन यहाँ पे चेंज लाया है कि P92 जो अनरेटेड गन है कोई यूज़ नहीं करता है, उसमें आप 8x लगा सकते हैं। और आप जैसे ही 8x से आप 15x जो पबजी मोबाइल में है सॉरी 15x जो पबजी PC में है, और पबजी मोबाइल में बहुत जल्दी 15x आता होगा, लेकिन 8x लगा पाएंगे आप P92 पिस्टॉल में, जो बहुत लॉन्ग रेंज टाइप होगा और आप शूट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है एडेड फुल ऑटो मोड यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ऑटो मोड भी होगा अभी SR राइफल्स में, Kar-98 M24 AWM में जो है अभी ऑटो मोड होगा, Kar-98 M24 AWM में अभी ऑटो मोड भी होगा। तो गाइज यहाँ पे आप जो है क्लोज रेंज में आप ऑटो में चला सकते हैं Kar-98 M24 AWM विथ ए रेड डॉट और ए होलोग्राफिक, और यू कैन स्प्रे इन ए मिनिमम डिस्टेंस विथ ए 3x। तो गाइज यहाँ पे बहुत बढ़िया एक अपडेट लाया है, और गाइज ये एक बहुत नया कॉन्सेप्ट लाया है द मून, और ये मून मैप के लिए ये बहुत सारे चेंजेस लाया है। और आपको जैसे ही पता है कि COD मोबाइल आ रहा है और एपेक्स लेजेंड्स फॉर मोबाइल आ रहा है, आई थिंक उनको देखते हुए अभी पबजी PC ने ये चेंज लाया है जो बहुत ही अवेलेबल होगा पबजी मोबाइल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अब अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशंस है अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों को, बिल्कुल बेझिझक जो है ये वीडियो जो है आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों को जो है अपने इंडियन फ्रेंड्स जो हिंदी जानते हैं, या फिर जिसको जाने सकों के वीडियो शेयर कर सभी जो है गाइज ये वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, हर जगह जो है, ताकि जो है प्लेयर्स जो है जान सके कि क्या अपडेट्स आ रहा है पबजी मोबाइल में, और जो लोग गाइज कैम्प कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं कि वो खुद अपना चिकन डिनर बना सकते हैं, जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग टॉफू डिनर बना सकते हैं, और पिस्टॉल जो लोग यूज़ नहीं करते हैं वो लोग 8x लगा पाएंगे। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, ये एक नया मैप है द मून, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे एक अगले वीडियो में गाइज, टिल देन टेक केयर, मौत बड़ा होय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।